थलीसैंण ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय कुणेत के शराबी शिक्षक पर विभाग द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि यूकेपीडिया ने इस खबर को बड़ी ही प्रमुखता के साथ दिखाया था, जिसके बाद पूरे मामले पर मुख्य शिक्षा अधिकारी ने संज्ञान लेते हुए कार्यवाही की है। आपको बता दें कि थलीसैंण के कुणेत गाँव के प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य हमेशा शराब के नशे में धुत रहकर छात्रों को पढ़ाते थे, साथ ही शराब पीकर गाँव में हुड़दंग भी मचाते थे। उक्त शिक्षक से ग्रामीण काफी परेशान थे। ऐसे में जब यूकेपीडिया ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया, इस मामले को रखा, तो इस पर मुख्य शिक्षा अधिकारी पौड़ी ने संज्ञान लेते हुए बड़ी कार्रवाई की है। शराबी शिक्षक को आरटीई के एक्ट का उल्लंघन करने व शराब पीकर पठन पाठन कराने को लेकर निलंबित कर दिया गया है। वहीं जाँच जारी है। विभाग का कहना है कि जाँच में दोषी पाए जाने के बाद उक्त शिक्षक की सेवाएं भी समाप्त हो सकती है। से जैसे ही मेरे ये संज्ञान में आया, मैंने बीरो खाल के खंड शिक्षा अधिकारी श्री अजीत भंडारी को इसकी सत्यता की जांच करने के लिए निर्देशित किया। जांच में सही पाया गया। इनका नाम है श्री प्रदीप कुमार, प्रधानाध्यापक हैं राजकीय प्राथमिक विद्यालय कुणेत विकास खंड थलीसैंण। तो इनके ऊपर चार्जेज बनते हैं प्रथम दृष्टया कि ये शराब के नशे में विद्यालय में पाए गए हैं, पठन पाठन बाधित किया है, आरटी एक्ट का उल्लंघन किया है, एमडीएम बाधित किया है, विद्यालय का जो शैक्षणिक वातावरण है वो खराब किया गया है। इसके तहत इनको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है और उप शिक्षा अधिकारी थलीसैंण कार्यालय में इनको संबद्ध किया गया है। निलंबन अवधि में इन्हें वित्तीय हस्तपुस्तिका खंड 2 भाग 2 से 4 के मूल नियम 53 के अंतर्गत गुजारा भत्ता देय होगा। जाँच में दोषी पाए जाने के बाद इनकी सेवाएँ टर्मिनेट तक करने की कार्यवाही हो सकती है। ये डिपेंड करेगा कि जांच में क्या आता है।